चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट द डिपेंडेंस ऑफ टू रिएक्टिव इंपेडेंस X1 एंड X2 ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग EMF अप्लाइड इंडिविजुअली टू देम। वी कैन से दैट, अच्छा ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ये बताना है कि XL कौन है, XC कौन है। तो XL इज इक्वल टू क्या होता है, L ओमेगा होता है, और ओमेगा की वैल्यू जनरली हम लोग जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2π ν होता है। तो अगर मैं यहां रखूं 2π ν, तो XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं XC की बात करूं तो XC इज इक्वल टू 1/C ओमेगा होता है, और XC इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 2π ν, यानी XC इज इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो XL और XC में कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है, और XC और न्यू में इनवर्स रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये आपका XL होना चाहिए, X2 आपका इंडक्टर होगा, और X1 क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है, तो ये XC हो जाएगा, क्या हो जाएगा XC। तो X1 आपका कैपेसिटर हो गया यानी पहला, और X2 इंडक्टर हो गया, यानी C वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।